दुनिया के अंदर सिर्फ रिजल्ट्स काउंट्स होते हैं, दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स देखती है, आपकी इमोशनल स्टोरीज के अंदर किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो ये फैक्ट को जितना फास्ट एक्सेप्ट करोगे ना, लाइफ के अंदर उतना फास्ट मूव कर पाओगे। दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स देखती है, आपकी इमोशनल स्टोरीज नहीं देखती। एंड वन थिंग, मेजोरिटी ऑफ लोग जो गलती करते हैं वो ये है, दे डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, रोज सेम टू सेम चीज़ें करना और ये एक्सपेक्ट करना कि इससे डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। जिंदगी में कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। साइंटिफिक वर्ड में इज ए टर्म, दिस इज एज एन इनसेनिटी, डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के अंदर एक बच्चा है, उसको 50 बार बोलते बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, जब आपको पता है कि 50 बार सेम टू सेम टोन में बोलने के बाद अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, फिर भी अगर ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि 51st टाइम भी मैं उसको सेम वे में बोलूंगा और वो पढ़ेगा, तो इसे मैं सिंपल कहूंगा तो इसे मैं स्टूपिडिटी कह सकता हूं। जब आपको पता ही है कि ये टोन ये चीज करने से वो नहीं कर रहा है, तो व्हाई नॉट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट सिनेरियोस। फॉर एग्जांपल, इधर काफी सारे पार्ट टाइम फादर आए हुए बैठे हुए, पार्ट टाइम फादर आई वुड से। अब पार्ट टाइम फादर मैं स्पेशली इसीलिए टर्म देता हूँ बिकॉज माइट बी उनको ये नहीं पता होता कि उनके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उनको ये नहीं पता होता है उनके बच्चे की वीकनेस क्या है, उनको ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा इमोशनली कहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उनको पर्सनली ऐसा लगता है कि यार माइट बी हमने जितना भी पैसा कमाया है, मे बी उसको अच्छे से अच्छा कोचिंग क्लासेस या स्कूल्स दे के अपना पर्पस सॉल्व हो गया। इधर काफ़ी सारे पार्ट टाइम मदर्स भी आके बैठे हुए हैं, ये मदर्स को ऐसा लगता है कि भाई घर के अंदर अपने बच्चों पर लेट से लेफ्ट राइट 360 डिग्री एनालिसिस सिक्योरिटी वॉच रख के उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड के है, लेकिन वो भी गलत है। इससे कभी उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसे इधर काफ़ी सारे पार्ट टाइम यंग यूथ भी बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है। उनको ऐसा लगता है लाइक कोटिंग समथिंग लाइक मॉम डैड स्टे आउट ऑफ माई लाइफ साउंड्स वेरी कूल। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है ना खुद पे, तो ठीक है कल से खुद के कपड़े खुद धोना स्टार्ट करो, खुद का खाना खुद पकाना स्टार्ट करो। इतना ही घमंडे खुद के दोस्तों पर, तो ठीक है ना एक महीना रहो उसके वहां पर, हफ्ता तो करो, सारा का सारा जितना भी अकड़ है ना एक झटके में निकल जाएगा। मेजोरिटी ऑफ लोगों के घर है ना घर, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, आज एक लॉज बन चुके हैं, खाना खाने के लिए और अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए लोग घर पर आते हैं। वो खत्म हुआ, बात खत्म हो गया। स्पेशली फॉर ऑल द यंग फादर सिटिंग ओवर हियर, ले जाओ कभी उसको पर्सनली अकेले ड्राइव पर, खिलाओ उसको आइसक्रीम वाइसक्रीम थोड़ा। वैसे भी मैन्युपुलेशन और करप्शन तो हर एक जगह पर करते हो ना, एक साइड एक बार उसके साथ भी करो, खिलाओ उसको आइसक्रीम वाइसक्रीम और बोले बेटा क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। पहले तो क्या है, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक तुमको पूरा स्कैन करेगा, ये मेरा ही बाप है ना क्या, ये आज अचानक से इंसानों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आ गया। ओके साजन, हमारे पेरेंट्स ने हमको ऐसे लीड नहीं किया था, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ क्या किया था, वो जनरेशन अलग था, ये जनरेशन अलग है। जिन बच्चों को आज इस घर के अंदर, जिन बच्चों को आज इस दुनिया के अंदर, उनके घर के अंदर अगर एक पर्सनल टच, फिजिकल टच नहीं मिला, माइट बी इट कुड बी अ हैंडशेक, इट कुड बी अ हाई फाइव, इट कुड बी अ हग, जिन बच्चों को आज घर के अंदर डे टू डे बेसिस पर एक फिजिकल टच नहीं मिला ना, 2 साल के बाद कंप्लेन मत करना, बिकॉज 2 साल के बाद वही बच्चा बाहर की दुनिया में फिजिकल टच ढूंढेगा। आप बोलोगे क्यों, एक मोमेंट पर है ना उसकी जिंदगी के अंदर, सोच के तो देखो कि वो कौन सी लाइफ जी रहा है। हर 15-20 मिनट के अंदर उसका एक्सपोजर जो जो चीजों के अंदर हो रहा है, आज जो इंटरनेट यूज कर रहा है, हर 10 मिनट के बाद कोई ना कोई पॉपअप आता है, कितनी बार कंट्रोल करेगा। जिन दोस्तों के साथ घूमता है, जो स्ट्रीट्स पर घूमता है, जो न्यूज़पेपर रीड करता है, जो मूवीज देखता है, कितनी बार कंट्रोल करेगा, एक बार तो उसका लिमिट आएगा ना। अगर चाहते हो कि उसका कैरेक्टर सिक्योर रहे, फिजिकल टच इज मैंडेटरी। और उसको बताओ रिजल्ट से प्रूव करे, बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, तो प्रूव करना। 60 आते ना 90 ला, तो ऑडी लेके जा चलेगा। फर्स्ट प्रूव योरसेल्फ,
देन आस्क फॉर योर राइट्स कि आपके क्या क्या राइट्स हैं. प्रूव करते नहीं, दुनिया भर के लाइक यू नो बेस्ट शॉट ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन घर के अंदर चलाते हैं. स्टोरीज का कैसेट बंद करो, तब जाके घर घर बनेगा, वरना ठीक है आए गए मेहमानों की तरह, बात खत्म हो गया. आई गिव वन स्मॉल एग्जाम्पल, आप सब समझ जाओगे. आई गेस वी आर वर्किंग इन कोल्हापुर, राइट स्वप्निल? ओके, मैं कोल्हापुर के अंदर एक प्रोग्राम दे रहा था. इज अ वेरी टचिंग एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. एंड एक यंग लड़का आया, ऐसे ही वॉज हैंडीकैप्ड फ्रॉम वन साइड. एक यंग लड़का आया एंड आफ्टर लाइक 8 to 10 का प्रोग्राम था, 10 बजे जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ ना, ही सेड के भाई आप मेरे घर पर आओगे क्या? आई वॉज फ्री, सो आई सेड के ठीक है चलो मैं आपके घर पर आता हूँ. अब ही वॉज लिविंग इन टोटली अ स्लम एरिया, थोड़ा झोपड़पट्टी जैसा जगह था. मतलब अगर बारिश भी आता है ना तो पानी घर के अंदर से फ्लो करके आता है, राइट? दैट लेवल ऑफ प्लेस. द मोस्ट मेसमराइजिंग थिंग विच आई सॉ वॉज, जैसे मैं घर खोला ना और अंदर गए ना हम लोग, तुम्हारी आंखों का जो देखने का कैपेसिटी हो ना, जो एंगल्स का, इधर देखो उधर देखो ऊपर देखो नीचे देखो साइड में देखो कैसे देखो, आपका जो कैपेसिटी है, आप जहां पर भी देखोगे ना वहां पर आपको एक मेडल दिखेगा. अब जहां पर भी दिखोगे वहां पर आपको कोई ना कोई मेडल दिखेगा, मतलब दिखेगा ही दिखेगा. आई जस्ट टोल्ड स्वप्निल क्या है. स्वप्निल सेठ के भाई, स्वप्निल के मॉम आज भी अलग अलग जगह पर घर के अंदर बर्तन मांजने के लिए जाते हैं, घर का कोई काम करने के लिए जाते हैं, उसके पापा गाड़ियाँ साफ करते हैं, दुनिया भर की ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे उनका घर चले. स्वप्निल ने कहा कि भैया मैं 4 साल का था ना, तब ऐसे स्ट्रीट पर साइकिल चला रहा था और कोइंसिडेंटली उस ड्यूरेशन पर मेरा एक एक्सीडेंट हो गया. अब माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, तो जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ना उसने ऑपरेशन राइट वे में नहीं किया, जिसकी वजह से उसका एक जो पैर था ना वो परमानेंट पैरालिटिक हो गया, राइट? एंड लाइक कुछ साल के बाद वो ऐसे स्ट्रीट्स पर से घूम रहा था एंड अचानक से उसने ऐसे टीवी के अंदर उस ड्यूरेशन पर माइकल फिलिप को देखा स्विमिंग करते हुए. उसने सोचा कि यार मैं ना इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ. एट द एज ऑफ 8, 9, 10 आप नज़दीक में जो भी गवर्नमेंट हाउसेज थे ना वहाँ पर गया कि भाई मुझे स्विमिंग सिखाओ. लेकिन उसका जो कोच था उसे बोला कि भाई तू जिंदगी में कभी स्विमिंग नहीं कर सकेगा. थॉट वॉज वेरी सिंपल कि मैं करूँगा. स्लम एरिया, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, टेक द फील, मैं करूँगा. 14-14 घंटा स्विमिंग करना स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 11, 12. जब ये लड़का 14 का हुआ ना, तब ऑलरेडी इंडिया और एशिया के अंदर पैरा स्विमिंग का जो कंपटीशन होता है ना उसके अंदर गोल्ड सिल्वर लाना स्टार्ट कर दिया था. एंड एट द एज ऑफ 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रोट हिम अ लेटर कि आपके जैसे यूथ की हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट अबाउट एवरीथिंग इज दैट कि 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर ये पैरा स्विमिंग के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है यही लड़का. सोचो, चलो दो ना एक्सक्यूजेस अभी यार. एसी का फ्लो थोड़ा ज्यादा होता ना तो फोकस ज्यादा हो पाता. लाइट अगर ये टेबल पर प्रॉपर वे में आता ना तो शायद मैं प्रॉपर वे में लीड कर पाता या चीजों को याद रख पाता. एक अपॉर्चुनिटी राइट मिल जाता ना तो आज अपना लाइफ बहुत अलग होता यार. अगर माँ बाप अच्छे होते ना तो अपना लाइफ बहुत सॉर्टेड होता. अगर घर के अंदर फाइनेंशियल चीज़ों का प्लस माइनस नहीं होता ना तो हमारा लाइफ बहुत ब्यूटीफुल वे में हम लोग जनरेट कर सकते हैं. जिस इंसान को कुछ करना होता है ना उसे अगर कुछ ना भी दो ना तो भी वो सब कुछ कर देता है. और जिस इंसान को कुछ करना ही नहीं होता उसे आप सब कुछ भी दे दोगे ना तो भी वो कुछ नहीं करेगा. उसे भी ऊपर आई गिव वन लास्ट एग्जाम्पल फॉर दैट. आई हैव लाइक माई वेरी गुड फ्रेंड मोहम्मद फैजल. इज लाइक अराउंड राइट नाउ अराउंड 5 times गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी अक्रॉस द ग्लोब. मोहम्मद फैजल, यू कैन टाइप इट आउट, मोहम्मद फैजल इवन इन गूगल. वेरी यंग गाय, अराउंड 25-26. फैजल दिल्ली रहता है एंड आई हैव रियली वेरी ग्रेट बॉन्डिंग विथ हिम. फैजल को पूछा लाइक 5 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनना ना, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. और घर के अंदर पैसा नहीं था लेकिन फील था कि यार इस दुनिया का सबसे स्ट्रांग मेमोरी अगर होगा ना किसी का तो मेरा ही होगा. तो आज भी ऐसा कहा जाता है फैजल के लिए, फैजल जितनी स्पीड से नंबर्स को याद रख सकता है ना वो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके अलावा कोई नहीं कर सकता. ऐसे उसके 5 अलग अलग मेमोरी के रिकॉर्ड्स है और उसकी दुनिया में कोई भी उसको बीट नहीं कर पाता. 26 ईयर का है. तो आई सेड फैजल इतने फास्ट नंबर कैसे याद रखता है? तो सेड के वन फाइन डे ही टोल्ड मी दिस थिंग कि सजन दिल्ली के अंदर है ना ये बस स्टॉप है, वो बस स्टॉप पर मुझे ले गया. करोल बाग के पास एक बस स्टॉप था जहाँ पर बस जंक्शन था, हाईएस्ट बस वहाँ पर आती थी.
ये लड़का सुबह 7 बजे से घर से एक टिफिन लेके एट द एज ऑफ माइट बी अराउंड 19, 20, 21 सुबह 7 बजे से घर से टिफिन लेके बस स्टॉप पर आ जाता। सुबह से लेके रात तक जितनी भी बस आती ना सबके बस के नंबर याद रखता और शाम को 10 बजे जैसे ही बस ट्रांजिट बंद हो जाता ना सुबह से लेकर रात तक जितनी भी बसें गई है ना सारे के सारे नंबर रिकॉल करके एक पेपर के अंदर लिख देता। He has done this thing for more than 2 years or 3 years of the time. And that's when he became the Guinness World Record holder for the strongest memory across the globe. Someone has said very rightly, talent jo hota hai na talent, kabhi bhi gifted nahi hota. Talent hamesha cultivate hota hai. Talent kabhi bhi gifted nahi hota, talent hamesha cultivate hota hai. And that's why it has been said that talent is even cheaper than a table salt. Koi bhi insan by birth एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में टैलेंटेड नहीं होता, माइनर टैलेंट ही होता है। यार क्रिकेट अच्छा खेलता है ये, यार पेंटिंग अच्छी करता है, यार अच्छा बोलता है। इनिशियल बेसिस पर इट इज ऑलवेज अ रॉ टैलेंट, बट टैलेंट पर हर रोज काम करते करते काम करते करते काम करते करते काम करते करते मोमेंट आता है कि वो मास्टर बन जाता है। इज ऑलवेज टू थिंग्स इन दिस केस, वन इज एक्टिविटी एंड सेकेंड इज प्रोडक्टिविटी। कितने लोग एवरेज अराउंड दिन में 6 से 10 घंटा काम करते, हाथ ऊपर करो। ओह माय गॉड, वाओ, नॉट मेनी पीपल। आपको कभी भी कभी ऐसा सवाल नहीं आता कि यार 6 से 10 घंटा काम करने के बावजूद भी हर साल अपना लाइफ 10-15% से ज़्यादा चेंज क्यों नहीं होता और ऊपर नीचे ही क्यों रहता है, और 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री तो पूरी दुनिया को हिला देते हैं, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? कि यार आप भी 10 घंटा यूज़ करते हो, मैं भी 10 घंटा यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं एक साल के अंदर लेट से फिनोमिनली ग्रो होता हूँ, लेकिन आप हर साल माइट भी 10-15% ही ग्रो होते, ऐसा क्यों? It's just because of one thing. देखो दो चीज होती है, एक इसे मैं कहता हूँ एक्टिविटी, दूसरा इसे मैं कहता हूँ प्रोडक्टिविटी। एक्टिविटी सिंपली मीन्स कि रूटीन का जो काम करते हो ना उसे एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि 9 बजे ऑफिस गए, मेल्स वेल्स किया, 2-3 कस्टमर्स को अटेंड किया, रूटीन एक्टिविटी जिसके अंदर आपको अपना टैलेंट, अपना एनर्जी, अपना एंथुजियाज्म, अपना पैशन का उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं आना पड़ता, उसे एक्टिविटी कहते हैं। रूटीन वर्क इज एक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी सिंपली मीन्स कि ऐसी एक्टिविटीज जहां पर आपको आपका माइंड, आपकी एनर्जी, आपका फोकस, माइंड भी आपके सारे मेंटल स्ट्रेंथ, सारे इमोशंस एक ही चीज के अंदर 100% जब आप फोकस में इन्वॉल्व करते हो ना उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी रूटीन एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जहां पर आपका फोकस, आपका एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ 100% यूटिलाइज होती है ना उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नाउ सबके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है ना, 3 दिन तक ये ट्रायल करो, आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों आ रहा है। अब 3 दिन तक क्या करो कि लेट्स से ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग क्लासेस जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, रूटीन वर्क कर रहे हो ना, सबके मोबाइल के अंदर टाइमर होता है ना, रूटीन वर्क के ड्यूरेशन पर टाइमर ऑन मत करो। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि यार नहीं नहीं ये प्रोडक्टिव काम है, फॉर एग्जाम्पल नए क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए जा रहे हो, तो प्रोडक्टिव वर्क स्टार्ट करो टाइमर, जैसे क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म होता है स्टॉप करो टाइमर। फॉर एग्जाम्पल नया सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो, स्टार्ट करो टाइमर, जैसे खत्म होता है स्टॉप करो टाइमर। कोई क्रिटिकल चीज पर डिस्कशन हो रहा है, टाइमर स्टार्ट करो, टाइमर ऑफ करो। लेट्स से कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहे हो, टाइमर ऑन करो, जैसे खत्म होता है ऑफ करो। मतलब ऐसी चीजें जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत सिंसियर लेवल वाली चीज है और इसके अंदर अपना एनर्जी और अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट वे में और इंटेलिजेंस भी यूज हो रहा है, उस ड्यूरेशन पर टाइमर को ऑन करना और ऑफ करना है। बराबर सिंपल चीज है, समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ऑफिस के लंच ब्रेक के अंदर अगर इधर उधर का डिस्कशन कर रहे हो उस ड्यूरेशन पर आप टाइमर ऑन नहीं कर सकते, लेकिन यस लेट्स लंच ड्यूरेशन के अंदर ये सोच रहे कि यार कंपनी आज इस लेवल पर है, लेट्स अगर 2 महीने के अंदर उसको ये लेवल पर पहुंचना है तो क्या क्या कर सकते हैं। एनी प्रोडक्टिव इंटेलेक्चुअल डिस्कशन जब हो और राइट एफर्ट्स वाला हो तब टाइमर ऑन करना है और ऑफ करना है, समझ गए? 3 दिन करो। लेट्स अगर एवरेज दिन के अंदर अगर 10 घंटा काम कर रहे हो, अगर ऐसा है ना कि आप 5 घंटा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, 5 घंटा प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप बहुत बड़ी एसेट हो इस दुनिया के लिए। 10 घंटा काम करो, अगर 5 घंटा भी प्रोडक्टिविटी आया ना कि यार टोटल 5 घंटा प्रॉपर में काम करें, तो आप बहुत बड़ी एसेट हो इस दुनिया के लिए। लेट्स अगर 4 घंटा आया ना प्रोडक्टिविटी, 10 में से 4 घंटा प्रोडक्टिविटी आया ना, तो समझ लेना कि यार यू गोइंग गुड इनफ, अच्छा है यार आप अच्छा कर रहे हो। लेट्स अगर 10 के अंदर से 3 घंटे ही प्रोडक्टिविटी आया ना, समझ लेना आप जहां पर भी रह रहे हो, कंपनी के अंदर काम कर रहे हो ना, उस कंपनी की आप सबसे बड़ी लायबिलिटी हो, सबसे बड़ी लायबिलिटी हो।
लेट्स अगर 10 घंटे के अंदर से सिर्फ एक घंटा का प्रोडक्टिविटी आया ना, तो आप अपने घर के, अपनी कंपनी के, अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के, अपने देश के, अपने कॉन्टिनेंट के, अपनी दुनिया के, ये पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी लायबिलिटी हो। इनफैक्ट सिंपल में कहूँ तो आप पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बोझ हो। कैलकुलेट इट ना, मैं कोई होक्स तो बता नहीं रहा हूं तुमको, जो है वो करो, पता चल जाएगा कि भी कितना है क्या नहीं है। और बाद में ना झूठा जस्टिफिकेशन देना बंद कर देना, हम मेहनत बहुत करते हैं फिर भी पता नहीं क्यों लाइफ चेंज ही नहीं होती। कैसे चेंज होगी, 10 घंटा काम करते हो उसके अंदर से 8 घंटा तो इधर उधर की बातें करते हो, आसपास के लोगों की पंचायत करते हो। प्रोडक्टिविटी एंड एक्टिविटी काउंट, रिजल्ट्स काउंट, नॉट द इमोशनल स्टोरीज, जस्ट रिजल्ट्स काउंट्स।